हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन जब एक शख्स ने उनकी मौजूदगी में खड़े होकर वाज़ो तकरीर के तौर पर बात की और बहुत लंबी बात की, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये शख्स मुख्तसर बात करता तो इसके लिए ज्यादा बेहतर होता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि बात करने में इख्तसार से काम लूं, क्योंकि बात में इख्तसार बेहतर होता है। नाज़रीने गरामी, तजर्बा शाहिद है कि बहुत लंबी बात से सुनने वाले उबता जाते हैं, और देखा है कि बाज़ औक़ात किसी तकरीर और बात से सामईन शुरू में बहुत अच्छा असर लेते हैं, लेकिन जब बात हद से ज्यादा लंबी हो जाती है तो लोग उबता जाते हैं और वो असर भी ज़ायल हो जाता है। इसलिए बात मुख्तसर और आम फहम होनी चाहिए।